गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसना काफी ज्यादा चौंकाने वाला सामने आया। जी हां, हार्दिक पटेल ने ऐसा क्या कहा जिससे सोनिया गांधी वाकई में काफी सोच में पड़ गई होगी, जरा जानिए। एक तरफ से सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे दी है, तीन तीन बड़ी जिम्मेदारियां, भारत जोड़ो अभियान से लेकर पॉलिटिकल फैक्ट्स को लेकर बात करने की जिम्मेदारियां। ऐसे में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस से हार्दिक पटेल ने सवाल किए हैं, कहीं ना कहीं सचिन, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये सभी जो बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को आगे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं, उनके लिए हार्दिक का सवाल है गुजरात चुनाव से पहले। और जिग्नेश मेवाणी को भी जवाब है हार्दिक पटेल का, क्योंकि जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस पार्टी हार्दिक के छोड़ने पर, सोनिया राहुल पर हार्दिक के तंज कसने पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। तो हार्दिक ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, आपको भगवान राम और हिंदियों से इतनी नफरत क्यों है, पार्टी नेता अनाप शनाप बना बयान देते हैं, ये कहा है हार्दिक पटेल ने। देखिए जरा, हार्दिक ने ट्वीट करके कहा, मैंने पहले भी कहा था कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर लोग गलत काम करते हैं। अब मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से क्यों इतनी नफरत है। सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता को हिंदुओं से नफरत है ये कहकर हार्दिक ने बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला स्टेटमेंट दिया है। जिग्नेश का कमेंट तो तोड़ा ही, सभी बड़े नेताओं को झटका दिया है। ये स्टेटमेंट देकर हार्दिक ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया कि वो किसी भी हालात में अपनी खास तौर पर पार्टी को छोड़ने के बाद बीजेपी से जुड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट।